म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियोज में हम लोग जानने वाले हैं ये पूरा म्यूजिक किस तरीके से कंपोज हो पाया है, बड़ी आसानी तरीके से वो सीखने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो म्यूजिक का डमी है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर वोकल्स के टाइप में डमी नहीं रिकॉर्ड किया गया है, सो आप सुन सकते हो डमी किस तरीके का है। चलिए मैं प्ले करता हूँ इनको और आप सुनिए। तो मतलब कुछ इस टाइप का डमी है। अगर आप चाहो इस डमी को कन्वर्ट करना, बेसिकली किसी भी टाइप के आप अगर चाहते हो, मान के चलो ये अभी तो ये इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, आप इसे मान सकते हो। बाय द वे इस जो है ये आप जो आपने अभी सुना इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, बाय द वे किसी भी इफेक्ट्स में, जैसे नेक्सस में कन्वर्ट करना चाहो, नेक्सस के साउंड्स में, किसी भी नेक्सस के साउंड में और या फिर किसी भी कॉन्टेक्ट के साउंड में, तो आप किस तरीके से ईजिली कर पाओगे वो पूरा मैं बताने वाला हूँ। तो आप देखो वीडियोस, मैं दिखाऊंगा वो भी करके। पहले चलिए मैं इनको एक एक करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ से सुनेंगे, तो ये आप सुन सकते हो ऐसा ही है कुछ। और डमी में बंद करता हूँ, यहाँ से सुनो रिधम है, यहाँ से सुनो। तो ये वाला बेसिकली डमी जो है शेल्स से रिकॉर्ड करा हुआ डमी है, ये कट कॉपी पेस्ट वाला डमी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे सब कुछ और इसको मिक्स भी करेंगे एक दो इफेक्ट से, किस तरीके से ये ज़्यादा बेहतर हो पाएगा वो सीखेंगे। तो पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि बेसिकली है क्या क्या इसके अंदर, ठीक है। तो इनको सबसे पहले आप सुनो क्या है ये, यहाँ देखो देख सकते हो आप क्या है ये। अगर आप इसका भी इस्तेमाल करते हो, अभी 155 टेम्पो पे है बेसिकली, अगर आप इसका भी इस्तेमाल करते हो तो आप कुछ ऐसे इशू आती है तो आप उनसे बच सकते हो। चलिए अभी ये वाला सुनते इसमें क्या है, यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। तो बेसिकली आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये जो किक होता है वो किक है, सुनो। ठीक है, ये किक है। अभी इनको चलिए मैं ऐसे रहने देता हूँ, अभी इसमें सुनते हैं क्या है। तो यहाँ देखेंगे पूरा, अगर आप समझ जाते हैं किस किस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ है तो आप इजिली कंपोज कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले एक एक करके देखेंगे, तो चलिए अभी इनको सुनते हैं इसके अंदर क्या है। क्लैप, क्लैप का साउंड है, ठीक है, और ये हेड्स का है। तो चलिए अभी इनको मैं अभी इनको सुनाता हूँ, ये देखो। तो ये हेड्स हो गया और अभी ये पर करके हैं जो कि बेस देता है थोड़ा बहुत, और ये क्लैप है देखो, ठीक है। और इसके बाद स्नेयर ये वाला हो गया। इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हो कौन सा किसका आवाज़ है। फिर यहाँ पे एक किक है हार्ड बेस का, तो देख सकते हो स्नेयर के साथ बज रहा था, अभी सुनो। तो ये बेस के साथ है, ठीक है। अभी ये ऑडियो है जो रिकॉर्ड करा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और यही है, देखो यहाँ से है,
आगे ठीक है, अभी और आगे बढ़ेंगे तो और क्या है इसके अंदर वो देखेंगे। तो अभी हम लोग आए थे हाँ यहाँ पे, ठीक है इस पे है। अभी इसके नीचे देखेंगे क्या है, ये ढोलक। चलिए मैं इनको सॉरी सारा, अभी इनको देखेंगे। जो मिक्स रिदम मैंने आप लोगों को दिया है वही मिक्स रिदम है, ठीक है। और ये तो डमी आपने पहले ही देख लिया। उसके बाद ये देखो, इनको बंद करता हूँ, ठीक है। अब जो है सारा इंस्ट्रूमेंट है मेलोडी वाला, तो आप एक एक करके देख सकते हो। इनको सुनो, और अभी ये सुनो लीड एक, और एक यहाँ पे दूसरा है, इनको भी सुनो यहाँ है, ठीक है। इनको म्यूट करता हूँ, और अभी इनको सुनो, एक लीड और है यहाँ पे, ये खुद का कस्टमाइजेशन हो जाए। आप जिस तरीके से बनाना चाहोगे उस तरीके से बनेगा। आप एक लीड से भी बजा सकते हो पूरा का पूरा, आप 5 लीड से भी बजा सकते हो, 10 लीड से भी बजा सकते हो। एक ये लीड है, और इसके बाद एक सेंथ है ये वाला, ये भी सुनो आप। और इसको मैं बंद करता हूँ, एक और है यहाँ पे, ये भी सुनो, ठीक है। दूसरा एक बेस गिटार है ये वाला, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, ये एक मेन गिटार है। अभी तो हो गया, इसको आपने पूरा समझ लिया इसके अंदर क्या क्या है। आगे वाले वीडियोस में मैं इसको मिक्स करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जो भी साउंड अच्छा है, जैसे कि ये साउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इनको आप पियानो में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मान लीजिए अगर आपने बजाया इसको मेलोडिक, सॉरी ये अपने मीडी से बजा लिया, या फिर किसी भी तरीके से आपने बजा लिया और रिकॉर्ड कर लिया उनको, तो आप उनको इजीली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि नेक्सस होता है, कॉन्टेक्ट होता है, हाइपरसोनिक, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्लगइन्स में इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो। नॉर्मली इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ देखो पिच, इस पर डबल क्लिक एक बार क्लिक करना है, तो ये चेंज हो जाएगा, देख सकते हो कोड्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ फंक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट मीडी पे क्लिक करना है, और ओके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट ये नीचे चले आएगा आपका, इनको आपको म्यूट कर लेना है, ठीक है, सॉरी। तो ये देखो नीचे आ चुका है, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अभी इनको सुनो आप, अभी तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे किसी भी प्लगइन्स के अंदर, जैसे नेक्सस या फिर कोई भी प्लगइन्स, जैसे मैं यहाँ पे M1 सेलेक्ट करता हूँ, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या परफॉर्म ये कर पाता है। तो इसमें 12 स्ट्रिंग है, इस पे डालते हैं और इसको डायरेक्टली नीचा पुट कर देते हैं। अभी सुनो ये कैसा साउंड कर रहा है, या इसमें प्ले करता हूँ, अभी जो इशू आपको सुनाई दे रहा, मतलब थोड़ा बहुत जो मिस्टेक लग रहा है, तो वो दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि ये देखो कहाँ पे ये देखो बढ़ रहा है, फिर कभी ये घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो मेनली इसको लाइन पे आपको लाना पड़ेगा, घसीट घसीट के ड्रैग कर करके इसको लाइन पे लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो लाइन से थोड़ा भाग रहा है, तो इस तरीके से इसे लाइन पे अगर आप ले आओगे तो ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, अच्छे तरीके से ये बजेगा। अभी सुनना इसको, अभी
इस तरीके से आप दोनों को एक साथ ही बजा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बेसिकली इनको चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको इसमें इफेक्ट पुट करना हो तो आप नॉर्मली इसमें अगर यूज़ करोगे तो एक डिले अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा ये। तो इसमें 10% डिले डाल के मैं दिखाता हूँ कैसा काम कर रहा है, कैसा परफॉर्म ये कर रहा है। थोड़ा सा EQ ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन जो होती है बस वही करेंगे अपन, और कुछ नहीं करने वाले। देखो देख सकते हो डिले यहाँ पे काम कर रहा है काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस डिले को बढ़ा दो यहाँ पे, मान के चलो मैं 20% कर देता हूँ, तो सुनो कैसा लग रहा है। तो बेसिकली अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे 10% काफी होता है, तो 10% 8% 9% इस तरीके से आप फिट करोगे तो ये ज्यादा बेहतर लगेगा आपको सुनने में, और म्यूजिक के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। सुनो ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसके अंदर कंप्रेसर लगा सकते हो, एक मल्टीबैंड का कंप्रेसर। बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, अगर आप इसे एडजस्ट कर पाते हो तो हो सकता है मैं अगले वाले वीडियोस में इसकी मास्टरिंग मिक्सिंग बता दूंगा किस तरीके से कर पाओगे। सबके अलग अलग करके मैं बता दूंगा एक एक करके किस तरीके से इसकी मास्टरिंग आप कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल चलिए इसके अंदर अभी तो आपने सीख लिया कि इसके अंदर क्या क्या पूरा कंपोज, अगर आप एक म्यूजिक करते हो तो उसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या किस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसे पियानो में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशंस VST में आप किसे कन्वर्ट कर सकते हो बजाए हुए जो इंस्ट्रूमेंट है उनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सेलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन में, तो आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।